मेरा नाम सूर्य है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजी। आज मैं बात करने वाला हूँ आप लोगों से बड़ी खबर के बारे में। बड़ी खबर ये है कि सलमान खान की आने वाली फिल्म जो ईद पर होगी ये कोई रिमेक नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी खबर पता चल रही है। ना कोई ना कुछ, कोई रिमेक फिल्म नहीं होगी। इसके अलावा ये पता चल रहा है कि इस फिल्म का नाम लग रहा है राधे राधे। जी हाँ, ये एक अच्छा खासा नाम है। ईद 2020 पे हंगामा होगा और किसी साउथ डायरेक्टर ही जो इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले हैं, नाम रिवील नहीं हुआ है। वैसे प्रभु देवा का नाम उछला था। बैक टू बैक फिल्म डायरेक्ट करना थोड़ा सा है ना खटक भी रहा है, मुश्किल होता है। आई मीन नामुमकिन तो नहीं, इसी से बात सलमान भाई को मना कौन कर सकता है। लेकिन हाँ, कोई और भी डायरेक्टर हो सकता है, लेकिन इतना तय है कि सलमान भाई ईद 2020 में डेफिनेटली आएंगे। क्लाइफा अवार्ड्स के दौरान सलमान भाई से पूछा गया कि भैया ईद पर फिल्म जो आ रही है आपकी उसके बारे में बताइए। उन्होंने कहा कि देखो, सबसे पहले दबंग आ रही है, दबंग थी आ रही 20 दिसंबर को, वो आएगी, प्रॉपर रिलीज होगी। उसके बाद ईद पर भी फिल्म आएगी, जरूर आएगी। तो सलमान खान ने अपना वॉइस दे दिया है। कुछ दिन पहले मैंने यही कहा था, सलमान खान अपनी जबान देते हैं तो पिछलेंगे नहीं या पीछे नहीं हटेंगे, और ये बात पूरी तरह से सही हुई है। ये भाईजन से समथिंग दैट विल डेफिनेटली गोइंग टू हैपन, और ये एक बड़ी खबर है राधे राधे। कुछ क्रिटिक्स के बारे में अपने आप कहा है सोशल मीडिया पर, लेकिन इतना साफ है, मैं भी इस बात पर कहीं ना कहीं एग्री कर रहा हूं। मैं खुद नहीं चाहता हूं कोई रिमेक बने। सो दिस इज गोइंग टू बी एन ऑल एंड ऑल एक्शन फिल्म जो भाईजन के फैंस को पसंद है, यानी कि धमाका फिर से तैयार है करने के लिए भाईजन। अब बस ये देखना होगा कि 5-6 महीने के वक्त में या 7 महीने के वक्त में किस तरह से भाईजन खुद को इस फिल्म के लिए प्रिपेयर करते हैं। वो बहुत ही टेढ़ी खेल साबित होगी, यानी बहुत मेहनत लगने वाली है। लेकिन सलमान खान को जिस सबसे हमने 2-3 सालों में देखा है, वर्क के लिए जो एक डेडिकेशन सबको पहले भी था, लेकिन अभी जो देख रहे हैं हम, जो एग्रेशन, जो आग है काम करने के लिए, वो बहुत ज्यादा। और मेरे ख्याल से इस बार सलमान खान धूम मचाएंगे ईद 2020 में। कितने कुछ इस खबर से जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।